हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम सभी ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ के अंदर एसआईएन कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में मैं बता दिया था, बट एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए आज मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आई हूं आप सभी के बीच में। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो पिछली वीडियो है आरपीएफ एसआई की, आप उसको जरूर देखना। आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जाके वहां पर देख लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। 2000 सीट्स आई है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है, आरपीएफ में कांस्टेबल एसआई दोनों ही पोस्ट के लिए आई है रिक्रूटमेंट। टोटल पोस्ट अगर कांस्टेबल के लिए बात करें 2000 सीट्स यहाँ पर रहने वाला है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1700 एंड फीमेल्स के लिए 300 सीट्स। आपको पता होगा कि 15% जो रिजर्वेशन है ना, वो फीमेल्स के लिए यहाँ पर सीट्स का रखा गया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये बताने का मोटो सिर्फ ये होता है कि कभी कभार एग्जाम में ना आपको फुल फॉर्म वगैरह पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 500 रुपीज, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड फीमेल कैंडिडेट्स 250 रुपीज यहाँ पर उनसे चार्जेस लिए जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स रहने वाला है। रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का। अब अभी इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये बन चुका है कि 25 इयर्स जो मैक्सिमम एज रखा गया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अभी बहस चल रहा है कि पिछली वैकेंसी काफ़ी टाइम पहले आई थी, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों का जो है 18 इयर्स भी नहीं था, और इतने गैप के बाद जब वैकेंसी आई है और बस मैक्सिमम एज 25 इयर्स रखा गया, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है, अगर ऑफिशियली बताया जाएगा तो मैं वीडियो के मीडियम से आपको अपडेट जरूर बताऊंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वालिफिकेशन है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, 10th पास आउट कैंडिडेट्स इलिजिबल रहने वाले हैं। अगर सिलेक्शन की प्रोसेस पे गौर करें तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सेकेंड स्टेज पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। थर्ड स्टेज पे होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो थर्ड स्टेज पे पहुंचने से पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम जो होता है फ्रेंड्स, आपका बताया है ऑनलाइन होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेंटर रहेगा। आप जो भी नियर बाय स्टेट, जो भी सिटी चूज करोगे वहां पे ही आपका सेंटर देगा। तो आपका जो पेपर होगा ना, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम 90 मिनट्स का, डेढ़ घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि सबसे ज्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का है ना, वो जीके जीएस है। तो इस पे ही आपको मेन फोकस अच्छे से रखना है, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आउट हो चुकी है, तो एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेज पे जो आपका फिजिकल होगा उसमें क्या सब क्राइटेरिया रखा गया है। आपका जो फिजिकल होगा ना फ्रेंड्स, उसमें हाइट की मेजरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स रहेंगे। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 80-85 सेंटीमीटर। रनिंग होती है आपकी पीईटी में, मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, 5 मिनट 45 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना होगा। वहीं फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकेंड्स में कंप्लीट करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है। तो हाई जंप मेल के लिए 4 फीट एंड फीमेल्स के लिए 3 फीट का रहेगा। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट एंड फीमेल्स के लिए होगा 9 फीट का। सो आई होप कि फिजिकल क्राइटेरिया भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
अब जो है फ्रेंड्स, आपका पेपर होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहना चाहिए। तो एक मोटा मोटी तौर पे ये मान लीजिए कि जनरल ओबीसी को कम से कम 42 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, एससी एसटी को 36, और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो एग्जाम के बेसिस पे बनता है। सो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और जब आप ज्वाइन करोगे, जैसे आपको बताया कि एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर आपका डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। ज्वाइन करने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में जिस जोन से अप्लाई करोगे वहां के जोन में आपको सर्व करना पड़ेगा, और सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है 26,000 रुपीज पर मंथ की, आफ्टर पर्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपको 32,000 रुपीज मतलब 32,000 रुपया पर महीने की सैलरी आपको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 2,000 सीट कोई कम नहीं होता, आपको एक सीट से मतलब है। तैयारी अपनी ऐसी करो कि एक सीट आप इस बार अचीव कर ही लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बता देती हूँ कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जनवरी के लास्ट से लेके फरवरी जो आपका फर्स्ट वीक है ना, उसमें आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समय काफ़ी कम बचा है, तैयारी अच्छी रखो आप। और आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया आप अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाके फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो आप, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। Till then, stay tuned. Bye-bye. Take care.